नमस्ते ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एस ने फिर से एस बी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है जिसका लास्ट डेट है चार दिसंबर 2020 और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी आरंभ हो चुके हैं फ्रॉम फोरटीन इलेवन टू फोर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी इसका डिटेल्स चलिए हम देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मोडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट फ्रॉम द डेट फोर्टीन नवम्बर टू फोर दिसंबर टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी फोरटीन नवंबर टू फोर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डाउनलोड Preliminary examination call letter, third week of December 2020 onwards. And phase one online preliminary examination, 31st December 2020 and 2nd, 4th, 5th January 2020. Declaration of result of preliminary examination, third week of January 2021. Download of main examination call letter, third week of January 2021 onwards. And phase two. Online examination 29th January 2021. Declaration of result of main examination 3rd and 4th week of February 2021. Download of phase 3 call letter 3rd and 4th week of February 2021. And phase 3 interview with group discussion February and March tentative date. Declaration of final result last week of March 2021. Pre examination training for SCST religious minority communities. डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेकेंड वीक ऑफ डिसम्बर ऑनवर्ड्स एंड कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर यह है इसकी मेन टेंटेटिव डेट्स एंड एक्टिविटीज़ उसके बाद यहाँ पर देखिए वैकेंसीज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है टू थाउजेंड एस सी के लिए है थ्री हंड्रेड एस टी वन फिफ्टी ओ बी सी फाइव हंड्रेड फोर्टी एंड इकोनॉमिक के लिए विकर सेक्शन के लिए टू हंड्रेड जनरल के लिए एट हंड्रेड टेन टोटल और टू पोस्ट है एल डी वी आई एच आई डी एंड डी कैंडिडेट्स के लिए भी तो यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए गए हैं ट्वेंटी 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 एंड ट्वेंटी तो इस हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं यहाँ पर देखिए वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल ओनली टू द नॉन क्रिमिलियर्यर्स ओ बी सी कैंडिडेट्स क्रिमिलियर एंड ओ बी सी कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी आज जनरल नॉन क्रिमिलियर ओ कैंडिडेट्स के लिए ही है ओ और जो ओ बी सी है क्रिमिलियर है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वैकेंसीज फॉर पी डब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट्स और रिजर्व ऑरिजेंटली कैटेगरी वाइज इसका डिटेल्स आप देखेंगे अगर आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में आते हैं तो एलिजिबिलटी क्राइटेरिया एसेंशियल्स एकेेडेमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्ग्नाइज यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज एज सच बाई सेंट्रल गवर्नमेंट दोज हुआ इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर और दे आर ग्रेजुएशन मेंई फॉर विजनल सर्टिफिकेट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे हैव टू प्रोड्यूस ऑफ हैविंग पर्स सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पर एक ही कंडीशन रखे गए हैं अगर आप फाइनल सेमिस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यानी थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक आपकी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकेंगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसका यह है अकाडेमिक कंडीशंस देन कैटेगरी वाइज यहाँ पे अप्लाई करते वक्त आपको कैटेगरी चूज़ करना है कैटेगरी जो कोड दिए हैं यहाँ पे देखिए एस के लिए है ज़ीरो वन एस सी के लिए ज़ीरो टू एस सी के लिए जीरो थ्री एस सी एच ए जीरो फोर एंड एस सी डी एन डी के लिए जीरो फाइव एस टी ज़ीरो सिक्स एस टी एल डी ज़ीरो सेवन एस टी वी आई ज़ीरो एट एस टी एच आई जीरो नाइन एस टी डी एन डी टेन ओ बी सी एलेवन ओ बी सी एल डी ट्वेल्व वी आई थर्टीन एच आई फोरटीन एंड डी एंड ई के लिए फिफ्टीन है जनरल के लिए जो कैटेगरी को कोड है वो है सिक्सटीन जनरल एल डी के लिए सेवनटीन जनरल वी आई के लिए एट्टीन एच आई के लिए नाइनटीन एंड डी एंड ई के लिए ट्वेंटी इकोनॉमिकली विकर के लिए ट्वेंटी वन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एल डी के लिए ट्वेंटी टू वी आई के लिए ट्वेंटी थ्री एच आई ट्वेंटी फोर एंड डी 25. ई ट्वेंटी फाइव फेस वन एग्जामिनेशन इसमें आपका मार्क्स रहेंगे टोटल वन हंड्रेड और टाइम है वन आवर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थर्टी नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड थर्टी फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के लिए थर्टी फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल वन हंड्रेड मार्क्स दें फेस टू के लिए रहेंगे आपको टू हंड्रेड मार्क्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए फोर्टी फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मिनट्स डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन थर्टी फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स फोर्टी फाइव मिनट्स जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एवार्ड्स के लिए रहेंगे आपका फोर्टी मार्क्स एंड फोर्टी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रहेंगे आपका थर्टी नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड फोर्टी मार्क्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वन मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे टू एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है थ्री आवर्स डिस्क्रिप्टिव द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज थर्टी मिनट्स इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग ऐसे विथ टू क्वेश्चन फॉर टोटल फिफ्टी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के लिए रहेंगे आपका फिफ्टी मार्क्स इसमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे लिखने होंगे आपको और इसका जो टाइम है वो है थर्टी मिनट्स तो इस हिसाब से आपको फेस वन फेस टू एंड फेस थ्री क्लियर करना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अलावा आपकी फेस थ्री के लिए है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेस टू मेन एग्जामिनेशन एंड देयर विल बी नो सेक्शन कट ऑफ कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू थ्री टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्थ ऑन 18 फोर 2020। आपका यहाँ पे फेज थ्री के लिए फेज टू का ही मार्क्स एलिजिबल होंगे फेज वन का मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे कैंडिडेट शुड अप्लाई फ्रॉम 14 नवंबर टू 4 दिसंबर एंड इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो है सिर्फ ऑनलाइन तो ये है इसका बेसिक डिटेल्स धन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग थ्रू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसमें आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका फेस सिग्नेचर क्लियर होना जरूरी है सिग्नेचर भी क्लियर होंगे धनी से आप अपलोड करें डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर कैंडिडेट शुड डाउनलोड कॉल लेटर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एंड प्री एग्जाम मेन एग्जाम एंड जी ई इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ एक बुकलेट रहेंगे आपको इसे डाउनलोड ही करने होंगे इसे बाई पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है फॉर योर ऑथेंटिकेशन और आपका वेरिफिकेशन के लिए पान कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आई बैंक पासबुक बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन भी होंगे इसमें तो इसका डिटेल्स बाद में हम जानेंगे चलिए पहले आपको अप्लाई करना है तो इसका ये है डिटेल्स यहाँ पे देखिए पेनल्टी के लिए आपको रॉन्ग वन आंसर के लिए आपको यहां पे पेनल्टी किए जाएंगे यानी वन इज फोर ऑफ मार्क्स असाइंड विद क्वेश्चन यानी चार में से एक चार क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स एक मार्क्स डिटेक्ट किए जाएंगे वन फोर्थ पॉइंट टू फाइव करके यहां पे आपका नेगेटिव मार्क्स है फाइनल सिलेक्शन के लिए यहां पे दिए गए हैं Candidate will have to qualify both phase two and phase three separately. And marks obtained in the main examination phase two, both the objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in phase three for preparing the final merit list. Result publication or result of preliminary examination, main examination and final result will be made available on the bank's website. So, To details, you have abbreviation, then category dekhe, age limit and कैटेगरी वाइज जो है एज रिलेक्जेशन वो यहाँ पे देखिए सीरियल कास्ट से ट्राइब के लिए फाइव ईयर्स अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर के लिए थ्री ईयर्स ओ बी सी के लिए दैन पर्सन विद डिसबिलिटीज के लिए फिफ्टीन ईयर्स पी डब्ल्यू डी एस सी एंड एस टी कैंडिडेट के लिए पी डब्ल्यू डी ओ बी सी के लिए थर्टीन एंड पी डब्ल्यू डी जनरल वीकर सेक्शंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है टेन ईयर्स एंड फाइव ईयर्स फॉर एक्स सर्विस मैन कमीशन ऑफिस इंक्लूडिंग एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन एक्सेट्रा तो ये है इसका बेसिक डिटेल्स आप आज से ही अप्लाई करें और प्रिपरेशन करें एग्जामिनेशन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स अ लॉट